नितेश कुमार। यार नितेश क्या हुआ था उस दिन बताओ जरा। वो जब पुलिस वाला आया ना सर, तो हम लोग यहाँ हम लोग इधर खड़े थे, तो पूछने लगा कि कैसे क्या हुआ हुआ, बस बता ही रहे थे। उतने में तो डंडे से मारने लगा और सबको मुर्गा ऐसे बना के, और इसे पीछे मारे, कभी पीठ पे मारे, चारों साइड मारने लगा पूरा जोर जोर से। वो एक पाइप था गोल, हाँ। लंबा, सफेद वाला नहीं, वो कलर वाला था, हाँ। मोटा था, इतना बड़ा। ये मजदूर इंदौर पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। इंदौर पुलिस की बर्बरता की कहानी बयां कर रहा है, बता रहा है कि कैसे उसकी पिटाई हुई, किस तरह से उसे टॉर्चर किया गया। आरोप तो ये भी है कि इंदौर पुलिस के टॉर्चर की वजह से कई मजदूर काम छोड़कर अपने घर लौट गए हैं, और ये सब हुआ है एक हत्या के बाद। दरअसल बाणगंगा इलाके में एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। मंगलवार सुबह लगभग 9 बजे साइट के कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर बलराम मजदूरों से बात करते हुए गिर गया, जिसके शरीर से खून बह रहा था। आनन फानन में मजदूरों ने बलराम को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। इसकी जांच करने जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोप है कि उन्होंने मजदूरों से पूछताछ करते हुए उनकी जमकर पिटाई कर दी, उसे मारने लगा। फिर हम लोग को पता ही नहीं था कि किधर से गोली आया, आवाज आया नहीं था, तो हम लोग क्या बताते। हम लोग बोले नहीं जानते हैं साहब, और कोई भागा भी नहीं था, तो हम लोग बोले भागा भी नहीं है कोई साहब, तो फिर भी बोले मुर्गा बन जा। वहाँ धूप था बहुत सारा, मुर्गा बन जा, और फिर मारने लगा। फिर इधर उधर करते करते फिर हमको घींच के ले गया उधर, वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा है वो कालम के पास, हाँ। वहाँ पे ले गया और बहुत मारा, इस पे गले पे रख दिया वो जूता, हाँ। तो मेरा सांस रुकने लगा, तो फिर एक दूसरे पुलिस वाला बोला कि नहीं नहीं छोड़ दो मर जाएगा। फिर ऐसे इसको टांग को ऐसे पसाड़ दिया और इस पे मारने लगा, और इस पे, और फिर ऐसे पैर भी मतलब ऐसे तोड़ने जैसा करे, बोले कि बार बार बताओ, तुम बताओ किसको देखा। हम बोले देखे नहीं साहब, तो हम किसको बोले। हैरानी की बात यह है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस गोली से युवक की मौत हुई वो सुरक्षा बल की तरफ से इस्तेमाल होती है। हालांकि पुलिस अफसर मजदूरों की तरफ से लगाए जा रहे पिटाई के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा आज एक विशेष एक जो है पेपर में, न्यूज़पेपर में ऐसा छपा है, तो हमारे को आप लोगों के माध्यम से पता चला है। हमारे पास कोई भी लिखित और मौखिक ऐसी शिकायत जो है वो विक्टिम के द्वारा ऐसा नहीं मिली है हमको। कोई मिलती है तो उसकी जांच की जाएगी, ऐसी अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया, आपके संज्ञान से आया। सर, जनरली जो ये बुलेट की साइज है 7.62 mm, ये सर किस तरह के वेपन से फायर की जाती है सर? देखिए, इसमें मल्टीपल वेपन्स है, लेकिन ज़्यादातर रिस्ट्रिक्टेड वेपन्स हैं, जो कि हमारी विशिष्ट फोर्सें और विशिष्ट ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है। ये जैसे जो आम जनता को हथियार मिलते हैं, कारतूस मिलते हैं, ये उसमें उपयोग नहीं होता है इसका। तो इसी एविडेंस के बेसिस पर और इसी के बेसिस पर ही हम एक संभावित निष्कर्ष की तरफ जा रहे हैं, परंतु अभी सभी जो संभावना है वो खुली हुई है, अभी इसमें और जाँच और गहनता में जाने की आवश्यकता। दरअसल बलराम के पोस्टमार्टम के दौरान जो बुलेट उसके शरीर से मिली है वो 7.62 mm की थी। इस तरह की बुलेट का इस्तेमाल BSF, सेना या पुलिस की पैरामिलिट्री करती है। घटनास्थल बरदारी गांव के नजदीकी BSF के रेवती फायरिंग रेंज है, जहां पिछले कुछ दिनों से स्नाइपर प्रैक्टिस कर रहे थे। साइट रेवती रेंज पहाड़ी से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, इस वजह से माना जा रहा है कि प्रैक्टिस के दौरान स्नाइपर की गोली वहां तक पहुंची है और बलराम को लगी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में अब BSF को भी जांच में मदद के लिए चिट्ठी लिखने वाली है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।